Assalamu alaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So in today's video, I'm going to tell you 5 things that you need to know before giving MCAT. ये वो चीज़ें हैं जो I wish I could know this before, you know, giving MCAT. But unfortunately, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे MCAT देने के बाद फील हुई या मुझे MCAT देने के बाद पता चली. एक चीज़ ऐसी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि इट्स माई रिग्रेट. ऐसी टिप है जो मैं चाहती थी कि मुझे कोई गाइड करता या मुझे मेरे MCAT देने से पहले वो चीज़ पहले से पता चल जाती. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे MCAT देने के बाद दिस टिप्स. लेट मी डिस्कस वन थिंग. रिविजन सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है. सो यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ. अब रिविजन सेशन बेसिकली है क्या? 1 जुलाई से हमारा रिविजन सेशन स्टार्ट है, जिसके अंदर बेसिकली वी हैव इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. वी हैव ऑल चैप्टर्स जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगी. आपके साथ चैप्टर का पूरा ओवरव्यू डिस्कस होगा. चैप्टर की ईच एंड एवरी थिंग जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MCAT के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस होगा. मोर एवर आपके साथ पास पेपर के MCQs डिस्कस होंगे. हर चैप्टर के किस तरह के MCQs पेपर में आते हैं वो सब डिस्कस होंगी. और किस चैप्टर की कितनी MCAT में वर्क है वो सब डिस्कस होगा. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. मोर एवर टेस्ट सेशन इज फ्री फॉर दिस पैकेज. सो चार्जेस इज 3000. दिस इज द नंबर. यू गाइज हैव टू गो एंड एनरोल योर सेल्फ. और आपने स्क्रीनशॉट भेजना है यहाँ पर. और आफ्टर दैट आई विल ऐड यू. टाइमिंग्स का तो टाइमिंग्स आप लोगों के ग्रुप में डिस्कस होगी. एंड टाइमिंग्स के अलावा टाइम टेबल आपके पास प्रॉपर एक बन चुका है. सो दिस इज द नंबर यू हैव टू गो एंड कॉन्टैक्ट दिस. और आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल बना है. 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हैं. वाई फ्रॉम 1 जुलाई? बिकॉज आपके पास बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं. रिपीटर्स होंगे या दूसरे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं. तो ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत मुश्किल है. तो 1 जुलाई से हमारे पास पूरा मंथ कंजेकटिव क्लासेज होंगी. एंड यू नो यू हैव अ इंटरेक्शन विद डिफरेंट टीचर्स एंड एवरी वन इज फ्रॉम यू नो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस. तो ये सारे टीचर्स वो हैं जो एक उस फेज से गुजर चुके हैं. तो आपको इनसे ज्यादा अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता. तो बेटर टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. यू विल हैव द गाइडलाइन, यू विल हैव द MCQs के टेस्ट सेशन है. एक पूरी सीरीज चलेगी टेस्ट की आफ्टर रिविजन सेशन. यू विल गेट द रिजल्ट बाय योर ईमेल. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन आउट देयर जिनको अभी तक सीनियर से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ या जिसने अभी तक कोई रिविजन सेशन नहीं लिया. या अगर आपने लिया भी है तब भी आप इनरोल कर सकते हो. हमारे टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल है एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी प्रोवाइड की जाएंगी. सो द फर्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव टू माय MCAT स्टूडेंट इज, देखो सबसे पहली टिप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि ये फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फेथ ऑन गॉड. देखो जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको मिल के रहेगा. वो लेट हो या जल्दी हो वो आपको मिल के रहेगा. एक से हार्ड वर्किंग मांग रहा हो या आपकी स्ट्रगल मांग रहा हो. तो दिस इज यू नो आप अगर MCAT का टेस्ट क्लियर करते हो आपका एडमिशन होता है. ये एक सिर्फ इनिशियल प्रोसेस है. मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब आप आते हो ना, एक डेंटल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब आप आते हो ना, तब आपको फील होता है वट इज एक्चुअली द रियल स्ट्रगल. यू नो द सिलेबस, यू नो द एवरीथिंग, वाइवा स्पॉट्स, एवरीथिंग इज सो हेक्टिक. तब आप रियलाइज करते हो कि यार वो जो MCAT का टेस्ट हमने दिया था वो कुछ भी नहीं था. तो दिस इज द फैक्ट. सो फेथ ऑन अल्लाह इज द बेस्ट एवर थिंग आई विल से. और यू नो सीक फ्रॉम गॉड. अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, यू हैव टू हैव द फेथ कि मैं ये चीज कर सकता हूँ. आप कभी भी ना ये चीज नहीं सोचो कि मैं नहीं कर सकता. जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा. अगर वो चीज नहीं मिल रही तो यू हैव टू गो फॉर द अदर पाथ. बाकी अगर किसी को कुछ भी गाइडलाइन चाहिए होती है रिगार्डिंग देयर फील्ड एंड एवरीथिंग, आई ऑलवेज यूज टू गाइड माई स्पेसिफिकली माई स्टूडेंट्स. तो आप लोगों को मैं जरूर गाइड करूंगी. यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सेकेंड थिंग दैट आई विल से इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. यू नो आफ्टर बिलीविंग इन गॉड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट आई विल से के आप हर बच्चे को चाहिए होता है. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है ना करने का, आप खुद को इस काबिल नहीं समझोगे तो कोई और आपको इस काबिल क्यों समझेगा. इस चीज को समझिए, ठीक है? अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना खुद को लेके, तो नो वन इज गोना डू समथिंग फॉर यू. इट्स ओनली यू एंड योर सेल्फ दैट हैज टू यू नो चूज योर पाथ. सो ऑलवेज हैव अ फेथ इन गॉड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट आई विल से के विल नेवर यू नो कभी आपको हारने नहीं देगी. तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखें. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द यू नो द बेस्ट थिंग आई विल से. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से आता है, बट जब आ जाता है ना तो फिर जाता नहीं है. जैसे मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं इस यहाँ जहाँ आज मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दूसरों को गाइड कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैं लाइव सेशन लेती हूँ, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डोंट कम्पेयर योर सेल्फ विद एनी वन आउट देयर. नेवर एवर. दिस इज माई यू नो द कंसेकटिव लाइन, माई कॉन्स्टेंट लाइन. डोंट कम्पेयर योर सेल्फ विद एनी वन आउट देयर. यू नो हम जब छोटे होते हैं, लाइक सेकंड ईयर में जब हम लोग एक न्यू बच्चे होते हैं, हमारी ग्रो इमेच्योर होते हैं हम लोग,
तो वी यूज टू डू इज के हम कंपेयर करते हैं, नॉट अस, इट्स आवर पेरेंट एज वेल. दे यूज टू कंपेयर अस विद आवर फ्रेंड्स एंड दैट्स द बैड एवर हैबिट या बैड एवर थिंग जो आपकी लाइफ में होती है. आप कंपेयर जब भी करते हो ना, तो इसका मतलब है आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो. क्यों? हो सकता है आपका दोस्त कुछ मामलात में आपसे अच्छा हो सकता है, कुछ स्टडीज की उसको ज्यादा पता हो. कंपेयर यूर सेल्फ विद एनी वन आउट देयर. जब भी आप कंपेयर करोगे इसका मतलब है आप खुद को डाउन करोगे. नंबर फोर, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट कंसिडर योर फेलियर एज द फुल स्टॉप. ठीक है, फेलियर आपका फुल स्टॉप नहीं है. फेलियर इज द फेस, इज जस्ट अ फेस ऑफ ग्रोथ. फेलियर आपको ये नहीं बताता कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स द फेस ऑफ ग्रोथ. यू नो, जब आप इसको पॉजिटिव थिंग में लेके जाते हो ना, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते एंड दैट्स समथिंग आई कॉल एज फेलियर. ठीक है, हालांकि वो फेल नहीं करे होते, वो पास करे होते, बट आई यूज टू कॉल दिस थिंग एज अ फेलियर. बट इट डजेंट मीन दैट कि आपने फेल किया, डजेंट मीन दैट कि आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप कर सको. यू नो, जो बंदा गिरता है ना वो सबसे ज्यादा उठता है. मैं कहती हूँ मैंने अटेम्प्ट जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता ना तो मैं जहां आज खड़ी मैं वहां कभी नहीं हो सकती थी, कभी भी नहीं. आई वॉज बीइंग अ डम स्टूडेंट एवर, डम इन अ सेंस के हैविंग नो, मेरी कोई मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं थी कोई भी और ना ही हो सकती थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग आउट देयर, आई एम देयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू गाइड यू द थिंग्स. यू कैन बी देयर एज वेल, बट यू नो फेलियर इज समथिंग दैट मेक्स मी स्ट्रांग. तो मुझे लगता है कि जब भी कोई बंदा फेल हो रहा है या किसी भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप ये चीज नहीं सोचो कि लाइक मैं कर नहीं सकता. डोंट एवर थिंक अबाउट दिस. अपने आप को टारगेट्स दो एंड ट्राई टू अचीव दोज टारगेट. एंड फेलियर इज नॉट द फुल स्टॉप. ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर इज नॉट द फुल स्टॉप. इट डज नॉट डिसाइड योर फेथ. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ पार्ट ऑफ योर यू नो अ फेस ऑफ जिसके अंदर आप गिरते हो और उठ के खड़े होते हो. इट जस्ट अ फेस ऑफ योर लाइफ. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. बाकी बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो फेल होने के बाद खुद, हालांकि इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, इतने अच्छा पढ़ते होते हैं, और क्योंकि वो एमडी का क्लियर कर पाते हैं, समटाइम क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको लगता है कि नाउ इट्स एवरीथिंग इज यू नो सब कुछ खत्म हो गया. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ खत्म नहीं होती है, चलती रहती है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. फेलियर सक्सेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट विल नेवर डिफाइन यू. ठीक है, फेलियर डज नॉट डिफाइन यू. योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर डज नॉट डिफाइन यू. इट्स जस्ट योर फेस जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा होता है. अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब है आप उस थ्रेशोल्ड तक नहीं जा पा रहे हो, आपको थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, दैट्स इट. इसके अलावा इसका कुछ और मीनिंग नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई विल से कि बच्चे बहुत फेलियर को देख के नहीं करते, अटेम्प्ट ही नहीं देते. आई वॉज वन ऑफ देम. फिफ्थ एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज दैट योर हार्ड वर्किंग, योर टारगेट, योर टाइम टेबल. Like, are you able to make a good timetable? You know, timetable plays a really important role in your growth. ठीक है, मैं इसको growth कहूंगी क्योंकि कोई बच्चा fail करके pass हो रहा है, it's just a growth. ठीक है, आपका best timetable will decide either you are able to achieve that target or not. तो timetable का बहुत अच्छा होना बहुत matter करता है, और timetable का particular होना बहुत matter करता है. आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या timetable बनाया हुआ है, आपके पास क्या resource है, ये बहुत matter करता है. तो टाइम टेबल एक प्रॉपर बनाओ अपना, एक प्रॉपर स्केड्यूल. मैं एक वीडियो बनाऊंगी 3 मंथ्स के टाइम टेबल की. वो एक ऐसा टेंटेटिव टाइम टेबल होगा जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, बिकॉज मैंने जो ना 3 to 4 मंथ्स में पढ़ा था सब कुछ, और कैसे पढ़ा था वो आप सबको पता है. बट आई विल लेट यू नो माई फेलियर स्टोरी एज वेल, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई, बट आई विल टेल इंशाल्लाह ताला. और इसके अलावा देखो, टाइम टेबल बहुत मैटर करता है. टाइम टेबल से ही आप मेहनत करते हो. टाइम टेबल नहीं होता ना, कभी भी आप एक चीज देखो, नमाज पढ़ने का भी टाइम टेबल होता है, हर चीज का टाइम टेबल होता है. टाइम टेबल के बिना कोई चीज आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते हो, क्योंकि एमडी कैट आपने देना है. इट्स समथिंग दैट नीड स्पेसिफिक एंड प्रॉपर टाइम. तो उस प्रॉपर टाइम के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल. सो फॉर दिस रीजन टाइम टेबल इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड द बेस्ट टाइम टेबल तो ऐसा चीज है कि आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम टेबल अगर आपके पास है ना, तो यू आर दी वन हु विल अचीव दोज थिंग्स. तो इंशाल्लाह आई विल शेयर माई टाइम टेबल जो मैं अपने टाइम पे किया था. उस टाइम टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, रिवीजन हो गया आपके पास, बुक्स का एमसीक्यू सॉल्व करना, पास पेपर, बहुत सारी चीजें, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए. तो आई शेयर एवरीथिंग विद यू. बाकी गाइज, यू गाइज कैन एनरोल योरसेल्फ इन द रिवीजन सेशन. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. मुझसे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी परेशानियां मुझसे शेयर कर सकते हो. अदर देन दिस, आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, यू गाइज कैन इंटरेक्ट विद मी. और रिवीजन सेशन के अंदर अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई एमसीक्यू आप पूछ रहे हो, उसी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो. तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन आउट देयर. तो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू गाइज कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. डू सब्सक्राइब माई चैनल. बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोज देखते हैं बट दे डोंट यूज टू सब्सक्राइब एंड लाइक. सो
डू लाइक एंड सब्सक्राइब जस्ट अप्रिसिएशन, जिसकी वजह से मुझे इंकरेजमेंट होती है कि या पीपल आर वॉचिंग मी, दे वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियोज, तो मैं टाइमली आती हूँ। बाकी हम लोग लाइव सेशन भी करते हैं, डू अटेंड लाइव सेशन एज वेल, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों के, तो आप लोग वो भी अटेंड किया करें। लाइक मैं यूट्यूब पे लाइव आती हूँ। सो दिस इज अप, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। होपफुली किसी को कोई भी मसला हो तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर इंशाल्लाह। बाय बाय।